और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें मायावती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सुप्रीमो मायावती की तरफ से सामने आई है, जहां पंजाब सरकार पर मायावती ने निशाना साधा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार पर अमानवीय कृत्य का आरोप लगाया है। बता दें पंजाब सरकार आपदा में मुनाफा कमा रही है। मायावती की तरफ से ट्वीट कर ये निशाना साधा गया है। ये सब बातें पंजाब सरकार को कही गई हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर आपदा में मुनाफा कमा रही है पंजाब सरकार। इस तरह की बात जो है मायावती की तरफ से सामने आई है। कोरोना वैक्सीन को केंद्र से 400 रुपए में खरीदा गया, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए में बेचा जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की पंजाब से जुड़ी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें वैक्सीन को लेकर, जो कोरोना की वैक्सीन है उसके शुल्क को लेकर यह निशाना साधा गया है, जो पंजाब सरकार पर आपदा में मुनाफा कमाने की बात कही गई है। बता दें ट्वीट कर मायावती ने जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, मायावती ने ट्वीट किया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र से 400 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी गई, जनता को उसका लाभ देने के बजाय उसे प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा जा रहा है। अशोभनीय, अमानवीय, निंदनीय कार्य पंजाब सरकार की तरफ से किया गया। पंजाब सरकार की इस गलत हरकत का मीडिया द्वारा पर्दाफाश करने के बाद मायावती की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मायावती का ये ट्वीट। पंजाब सरकार को घेरने के लिए यहां पर किया गया है। केंद्र सरकार से उचित संज्ञान लेने की भी यहां पर मांग रखी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब सरकार के लिए जो है मायावती का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर अशोभनीय, अमानवीय, निंदनीय और अति दुर्भाग्यपूर्ण जैसे शब्द जो है पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कहे गए हैं। पंजाब सरकार की इस गलत हरकत का मीडिया द्वारा पर्दाफाश करने के बाद जो है ये बात मायावती की तरफ से की गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।